हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो, जय भोलो नंद लाल की। तो दोस्तों, आपको तो इस वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो है हमारे जन्माष्टमी की झांकी की तैयारी। तो हमारी जन्माष्टमी की तैयारी किस तरह चल रही है, ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट वन है। तो कोई भी जन्माष्टमी का वीडियो आप ज़रूर देखेंगे कि जब भी हम झांकी सजाते तो ज़रूर खिलौने लगाते हैं उस पर। तो हमने क्या क्या खिलौने लिए हैं इस बार, यही आपको हम आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वुडन खिलौने हमने जो लिए हैं जिस पे लाक की फिनिशिंग है और कलरफुल फिनिशिंग है, ये आज का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हमने लिया है ये बावला, यानी कि म्यूजिशियंस का सेट, क्योंकि जन्मोत्सव के समय नंद बाबा ने खूब जन्मोत्सव मनाया था नंद के घर पे, तो उसी को दर्शाने के लिए हम, और भगवान कृष्ण की झांकी में ये जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, जो ढोल बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, इनको ज़रूर रखा जाता है। तो सबसे पहले हमने ये म्यूजिशियंस का सेट लिया है। तो दोस्तों, ये सेट मैंने अमेज़ोन से ही लिया है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए, ये वायलिन बजाता हुआ एक म्यूजिशियन है, तो इनको सजाने से झांकी की सुंदरता और बढ़ जाती है। ये काफ़ी मुझे पसंद आया है, पैकिंग भी अच्छी थी। तो अगर आपको इस इन टॉयज़ का या फिर जो मैं और भी आगे भी दिखाने वाला हूँ वीडियो में, इनका लिंक चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको ज़रूर अमेज़ॉन का लिंक ज़रूर दे दूँगा। तो अब देखते हैं दूसरा टॉय मैंने कौन सा लिया है। तो ये है द्वारपाल, यानी कि दरवान का। तो इसकी भी हम जब हम अपने लाल जी का हवेली बनाते हैं तो वहाँ भी द्वारपाल होते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण शयन करते हैं वहाँ पे भी द्वारपाल होते हैं। या फिर अगर आप जेल बना रहे हो जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है, उधर भी आप द्वारपाल रख सकते हैं। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है, वुडन बिल्कुल टॉय है, लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी सुंदर फिनिशिंग है इसकी। तो दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा आपको ये, साइज़ भी ठीक है और शाइन भी काफ़ी अच्छा। तो इसको अच्छे से पैक करके रखें तो हम हर साल इसको अपनी झांकी में यूज़ कर सकते हैं। ये अगला जो खिलौना है ये है सखियों का। मैंने दो दो के सेट में ये चार लिए हैं, क्योंकि इससे हम गोपियाँ भी बना सकते हैं और राधा रानी की अष्ट सखियाँ भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसा लग रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने और खिलौने लिए हैं जिसका भी मैं वीडियो देने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो मेरा मन है कि इनसे हम रास का, अगर हम एक झांकी बनाएं कि कृष्ण लीला में रास लीला हो रही है, तो भी इन गोपियों का मैं उस रास लीला में यूज़ करने वाला हूँ। तो फिर इसी को सोच के मैंने ये बनाया है। इनके हाथों में हम कुछ भी धरा सकते हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए या राधा रानी की सेवा के लिए। तो मैंने इसलिए आठ का सेट लिया क्योंकि राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं और ये विभिन्न तरीक़ों से विभिन्न झांकियों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कभी गांव वाले बना दिए, कभी नंद बाबा के घर के गाँव गोपियाँ बना दी। अगला जो मैंने खिलौना लिया है वो ये है, ये हाथी जिस पे हौदा बना हुआ है। जैसे कि नंद उत्सव में विभिन्न जगहों से हाथी पे लोग आ रहे हैं इस तरह की झांकी के लिए, और हम तो कहते ही हैं हाथी घोड़ा और पालकी। तो घोड़ा पहले से ही मैंने लिया था जब रथ यात्रा की थी, आप उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये सबसे ख़ास खिलौना जो मैंने लिया है दोस्तों, जो मुझे बहुत बहुत पसंद आया, वो ये है। और मैं इसके तलाश बहुत दिनों से कर रहा था और फॉर्चुनेटली मुझे अमेज़ॉन से ये मिल गया। डेफिनेटली दोस्तों, मैं अमेज़ॉन पे काफ़ी, मतलब ये है कि मेरा विश्वास है, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट अगर बिगड़ा हुआ आए तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये सबसे ख़ास मैंने मुझे मिला और ये अभी बिल्कुल आया है, बिल्कुल नया। तो ये है रास लीला का सेट वुडन टॉय में, श्री कृष्ण उनकी गोपियों के साथ या राधा रानी के साथ रास लीला करते हुए। तो इसे एक गोलाकार फॉर्मेशन में अगर हम सजाएं तो आप सोच सकते हैं कितना सुंदर लगेगा देखने में एक झांकी में। और शरद पूर्णिमा के दिन भी रास लीला
जब श्री कृष्ण का होता है तब भी हम इसे सजा सकते हैं। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारे खिलौने कैसे लगे, और जन्माष्टमी की सजावट के लिए भी आप हमारे चैनल के वीडियोस देखते रहिएगा। तो जब ये पूरा सज जाएगा झांकी में तब तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा लगेगा, मेरी पूरी आशा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने बंधु बांधवों के साथ मेरे वीडियोज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।